सो गुड मॉर्निंग बच्चों स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथॉस के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अपना यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ जो कॉमन है और सब जगह उसको हम यूनिवर्सली अप्लीकेबल कर सकते हैं और ये माने जाते हैं हर जगह। कुछ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सबसे पहला है लाइफ। तो लाइफ के अंदर जो वैल्यूज़ आते हैं वो होते हैं कॉमन इंडिविजुअल वैल्यूज जो हर एक पर्सन के हैं और आमतौर पर बिल्कुल सिंपल है। और इसके अंदर कोर वैल्यूज़ आते हैं, वो वैल्यूज़ जो बेसिक हैं कोर हैं, जैसे सादा जीवन है, सच बोलना है, झूठ किसी से नहीं बोलना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, चोरी नहीं करनी है, ये सादा वैल्यूज़। दूसरा वैल्यूज आता हैप्पीनेस, यानी सबको खुश रखो, ये भी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं और इसको भी हम क्या कहते हैं कोर वैल्यूज़ के अंदर माना जाता है इसको, कि खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। तीसरा है लव। लव का मतलब है दूसरों से हमें सम्मान प्रेम से बातें करनी है, दूसरों को सम्मान देना है, प्रेम फैलाना है, दुश्मनी लड़ाई झगड़ा वायलेंस इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। फिर आता है पीस। पीस का मतलब है शांति, शांत कूल काम पीस। हर जगह से हर तरफ से वी हैव टू मेंटेन कूल एंड काम एनवायरनमेंट, हर एक आदमी सुख शांति से रहे, ये हम लोग इस वैल्यूज़ में लेके चलेंगे। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सोशल वैल्यूज़ भी काउंट होते हैं। लव एक सोशल वैल्यूज़ है क्योंकि हमें प्यार सबसे करना है, सामाजिक हम लोग रहते हैं तो हमें सबसे रहना है। और ऐसा ही पीस है कि सबको शांति में रहने देना है, किसी को उकसाना नहीं है कि वो परेशान हो या किसी को डिस्टर्ब नहीं हमें करना है। देन आता है फ्रीडम। फ्रीडम भी सोशल वैल्यू है कि सबको आज़ादी का अधिकार है, सब आज़ाद हैं, सब अपने हिसाब से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा ही है सेफ्टी। सेफ्टी क्योंकि हर एक पर्सन के लिए है, सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल तक के साथ साथ अपनी फैमिली लेवल के साथ साथ समाज में भी एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट है। यदि हर एक अड़ोस पड़ोस का लोग, सोसाइटी के लोग, समाज के लोग आपसे डरे या आपको लगे कि नहीं आपके होने से उनको खतरा है तो वो एक अनवैल्यू मानी जाती है। ऐसा ही इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, ये एक वर्चुअल है, कृत्रिम में तो दिखाई देगी नहीं, पर आपकी समझदारी आपका व्यवहार दिखाई देता है, समझ में आता है। तो आप कितने ज़्यादा सूझबूझ से काम करते हैं, फैसले लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये आपके इंटेलिजेंस में दिखाई देता है। देन आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट को हम इंडिविजुअल के साथ साथ ये मानते हैं कि सोशल वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर हमें दूसरों को सम्मान देना है। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो उनसे सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। और ये देखा जाए तो रेस्पेक्ट है, ये एक मॉरल स्टैंडर्ड भी है हर एक के मॉरल के लिए, कि हाँ भाई क्योंकि आप है एक पर्सन है, आपका चाहे कोई भी स्टेटस हो या आप अच्छी पोस्ट पे हो या फिर आप अच्छी पोस्ट पे नहीं हो, तो भी आपको लोगों को सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना, देना ही चाहिए, ये भी एक वैल्यू माना जाता है यूनिवर्सल। ऐसा ही इक्वलिटी, एवरी वन इज़ इक्वल, हर एक समान है, बिकॉज ह्यूमन बींग जो है वो क्रिएटर किसके हैं, गॉड के हैं, जो हमने पढ़ा था पहले। तो हर एक बंदा इक्वल है। हम डेजिग्नेशन पोस्ट सैलरी के हिसाब से हमने यहाँ पे चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन तो कर रखा है, पर यदि हम कोर वैल्यूज़ की बात करें तो एवरीवन इज़ इक्वल और यही समानता का अधिकार सब लोगों के साथ है। जस्टिस, हर एक के को न्याय का अधिकार है, हर एक को अपना काम करने का अधिकार है, ये भी हमारे लिए मॉरल स्टैंडर्ड में काउंट होता है। देन नेचर। नेचर क्या कहता है, इट्स अ फिजिकल वैल्यू। हर एक पर्सन का नेचर अलग अलग है, बिहेवियर अलग है, पर वैल्यू क्या कहती है कि नेचर इज इक्वलेंट, क्योंकि हर एक को समान अधिकार है, एवरीवन इज सेम, हर एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमारा नेचर हर एक के साथ इक्वल एक जैसा रहना चाहिए, बिहेवियर सबके साथ एक जैसा करना चाहिए। ऐसा ही ह्यूमन हेल्थ। अनादर कोर वैल्यू और हेल्थ मानी जाती है वह है आपकी हेल्थ, यूनिवर्सल वैल्यू। स्वस्थ, स्वास्थ्य, आपको अच्छा रहना है, आप खुश स्वस्थ रहेंगे तो और लोग अच्छे रहते हैं, और लोगों को अच्छा रखना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार सबके पास है, हेल्दी जीवन सबको जीने का अधिकार है, ये भी एक कोर वैल्यूज़ में माना जाता है। तो यहाँ हमने ग्रिड बनाई है बच्चों। इस ग्रिड में क्या है कि उनके ह्यूमन वैल्यूज़ और सब वैल्यूज़ की हमने बात करी है, जैसे राइट कंडक्ट में मैनर्स, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्पफुलनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस, प्रिजर्वेंस करे जाते हैं। पीस क्या है, पेशेंस है, कॉन्सेंट्रेशन है, पॉजिटिवनेस है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन है। ट्रूथ क्या है, ह्यूमन वैल्यू है ट्रूथ, तो सब वैल्यूज़ क्या है, ट्रूथफुलनेस सबके साथ, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, फेयरनेस, ट्रस्ट, रिफ्लेक्शन।
लव का सब वैल्यू आता है, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस, जेनरसिटी, कंपैशन, टॉलरेंस, सर्विस, नॉन वायलेंस, कंसिडरेशन होता है, कॉपरेशन है, ग्लोबल स्टीवर्डशिप है, लॉयल्टी है, एक्टिव सिटीजनशिप है, जस्टिस है, रेस्पेक्ट है। तो यदि हम इन सभी कोर एथिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं किसके बेसिस पर, अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पर, तो यहाँ हमें देखना है कि जब हम एक कोर वैल्यू को यूज़ करते हैं तो एक सब वैल्यू हमारे पास से कई बार सेक्रीफाइस हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने दोस्त के साथ लॉयल है, तो उस लॉयल का मतलब यह है कि हमको उसको लॉयल्टी में सब गलत रास्तों पे जाने से रोकना है, गलत एक्टिविटी करने से रोकना है। तो भले ही उस वक्त उस आपके दोस्त के लिए नज़रों में आप उसके लिए गलत हो सकते हैं, बट बिकॉज आप लॉयल हैं तो आपको अपनी फ्रेंडशिप के लिए, एक अच्छे मित्र के लिए क्या करना है, उसको गलत एक्टिविटी करने से रोकना है। ये हमारे लिए ट्रुथ है और ये हमारे लिए लॉयल है, ये हमारे लिए कोर वैल्यू है। तो इसी में क्या देखा था, ट्रस्टवर्दीनेस आपके लिए एक कोर वैल्यूज भी है और सब वैल्यूज भी हैं, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कोर एथिकल वैल्यूज हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। पहला आता है ट्रस्टवर्दीनेस। ये आपके बिहेवियरल क्वालिटीज़ पर निर्भर करता है कि आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं सबके साथ, कितना आपका कैरेक्टर क्या है, आप लोग कितना रिलाय कर सकते हैं और आपकी लॉयल्टी स्टेटस क्या है, लेवल क्या है आपकी लॉयल्टी का, इसी बेसिस पे आपकी ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होती है। इसके अंदर आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल, है ना। ऑनेस्टी के साथ होता है ऑनर। ऑनर यानी कि दूसरे लोग आपसे एडमायर हो, आपको सम्मान दें, आप पे ट्रस्ट करें। जितने आप ईमानदार होते हैं उतना लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी ऑनेस्टी से एडमायर होते हैं। हमारे सामने इसके अंदर धर्मराज युधिष्ठिर जो कि महाभारत में कैरेक्टर थे, जिन्होंने प्ले किया था, उन्होंने बताया था कि वो ईमानदार थे और सच बोलते थे, तो लोग उनको इस बात से एडमायर थे। यहाँ तक कि उनके गुरु द्रोणाचार्य, वो भी युधिष्ठिर से क्या थे, एडमायर थे कि वो हमेशा सच बोलेंगे। तो ऑनेस्टी इज़ अ कम्युनिकेशन, इज अबाउट द इंटेंट टू कन्वे द ट्रुथ। जितने आप ऑनेस्ट होंगे उतना लोग आप ट्रस्ट के साथ आप पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन डायमेंशन दिखाई देते हैं, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी और फ्रेंकनेस। ट्रूथफुलनेस क्या है कि आप दूसरों को सच बताइए, पर यहाँ पे क्या है कि इंटेंशनली उनको झूठ नहीं बोलना है। मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट का मतलब झूठ है। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप बोल रहे हैं झूठ, तो वो झूठ ही कहलाएगा। अगर आप सच्चाई को सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं तो भी वो क्या है तो वो झूठ ही। तो लोग अगर आप पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रुथ तो यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही सिंसियरिटी, जो सिंसियर पर्सन होते हैं ना, वो एक्टिंग नहीं करते, कलाकार नहीं होते। जैसे कि ये कह सकते हैं कि आधा सोच आधा झूठ, शांत रह के सच को ना बोलना, ये भी क्या है कि दूसरे लोगों को थोड़ा सा क्या कहता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि नहीं मैं सच नहीं बोलूँगा। आधा सच आधा झूठ ये भी क्या है, ये भी एक तरीके की ऑनेस्टी को शो तो कर रहा है कि आप ऑनेस्ट है, बट फिर भी ट्रुथ तो आपको बोलना ही चाहिए। ये भी कोर वैल्यूज़ का बताया गया है। तो यहाँ पर जो ये तीनों डायमेंशन है ना, ये बता रही हैं कि आप किस तरीके से, मतलब आप ट्रुथ तो बोलेंगे बट कभी कभार सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये लोग ट्रुथ को क्या है, मोल्ड कर देते हैं। ऐसे ही फ्रेंकनेस, जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहाँ पे रिलेशनशिप होता है। और ऑनेस्टी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है कि हर पर्सन दूसरे पर्सन से क्या चाहता है, फ्रेंकनेस चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहता है कि जब भी वो उससे बात करे तो उसको सच ही बोला जाए, बताया जाए। दूसरा था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि हाउ यू टेक डिसीजंस। तो इसमें आपका कैरेक्टर भी डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को कितना चेंज कर लेते हैं। भले ही ठीक है, किसी को लाइफ बचाने के लिए हम कह रहे हैं सिचुएशनल हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, पर इट इज़ डिपेंड अपॉन योर कैरेक्टर। क्या आप इस चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं या आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम देख रहे हैं। तो आपको एक्ट नहीं करना है, चाहे आप घर पर हों, चाहे आप बाहर हों, चाहे पब्लिक में हों, योर इंटीग्रिटी, योर कैरेक्टर विल बी शोड कि हाउ यू टेक डिसीजंस इन द सिचुएशन यू कहें क्रिटिकल टाइम। तो जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होता है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए सेल्फ रिलेशन में क्या लगता है, उसको इवेंट लगते हैं, क्राइसिस लगता है और उसको नेसेसिटी नज़र आती है
पर वो अपने आप को हर सिचुएशन में क्या करते हैं, कंट्रोल रख के रखते हैं। तो जो लोग वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं ना, वो सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड नहीं होते। हमें समझाना इस पॉइंट को यहाँ पे है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के हिसाब से सच बोलना है, लोगों के विश्वास को तोड़ना नहीं है। अगर इंटीग्रिटी है तो अपने आप को हर सिचुएशन में एक जैसा रखना और कंट्रोल रखना है। इंटीग्रिटी के देखिए चार दुश्मन माने जाते हैं। सबसे पहला है खुद का स्वार्थ। हम लोग क्या चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या है कैरेक्टर, नहीं दूसरे क्या चाहते हैं, हमें दूसरों को शो कर दूसरों के लिए करना है। सेल्फ प्रोटेक्शन, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं करना है, नहीं। सेल्फ डिसेप्शन, हम क्या अपने आप को उस सिचुएशन में रख पा रहे हैं क्लियरली। और लास्ट राइटियसनेस, जस्टिफाई द मीन योर एटीट्यूड, आपकी सोच क्या है, ये आपके इंटीग्रिटी को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही आता है रिलायबिलिटी। अगर हम कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो हाउ द पर्सन हमारे ऊपर कितना रिलाय है, यस हम अपनी ड्यूटीज़ को कितना फुलफ़िल कर पाते हैं। यदि आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो उस वचन को निभाइए। तभी आपने देखा होगा कई बार, अगर हम रामायण काल में जाएं, तो हमने एक बहुत फेमस पढ़ा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो कुछ लोग अपने इस वैल्यू को लेके चलते हैं कि अगर लोग आप पर हैं और आपने जो कमिटमेंट कर दिया, उस कमिटमेंट के बाद आपको उसको पूरा करना ही करना है। देन रिलायबिलिटी में अंदर आते हैं पहली चीज़ कि आपको जो बैड हैबिट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। जो अच्छे लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, वो रैशनलाइज नहीं होते हैं, यस वो अपने कमिटमेंट को फॉलो करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। अनवाइज कमिटमेंट, कभी भी बिना सोचे समझे नहीं कोई कमिटमेंट करते, फ्यूचर को सोचते हुए करते हैं कि क्या मैं इस कमिटमेंट को पूरा कर पाऊंगा, तभी वो कमिटमेंट करते हैं। अवॉइड द अनक्लियर कमिटमेंट, ऐसे कोई कमिटमेंट जहां पर कहीं कोई संदेह है या कुछ हिडन चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को भी ये लोग नहीं करते। फिर आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या कहता है कि आपने दूसरों के इंटरेस्ट या दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के लिए आप कितना लॉयल हैं। लोग आप पे जो लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि आप लोग मुझ पर विश्वास करिए, मैं आप पे लॉयल हूँ, मैं आप पे डिपेंड करता हूँ। तो लॉयल्टी इज़ रिलेटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल्स। जैसे हस्बैंड वाइफ लॉयल्टी के उस पर बंधा है, दोनों में यदि लॉयल्टी है, ईमानदारी है, तभी रिलेशनशिप निभेगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यदि कोई भी एक पर्सन चीट करने का सोचेगा कि दूसरे बंदे से मैं कोई चीज़ छुपा लूँ, झूठ बोलूँ, तो वहाँ पे वो लॉयल्टी नहीं रहेगी, वो रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा। तो यही वो टॉपिक था बच्चों, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।